तो राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना भाई नितिन चंदीला, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पे नितिन चंदीला। तो भाइयों, आज अपने यहाँ पे डे टू और सो के उठ चुके हैं। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं यहाँ पे अपने इंडिया से, डेढ़ घंटे आ गए तो इंडिया में भी 6:30 हो रहे होंगे। तो फाइनली आज मैं और जल्दी उठ गया 6:30 बजे। तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उस्ताद जी बाहर खड़े हैं, उनसे आपको मिलवाता हूँ। बाकी उससे पहले आपको रूम की हालत दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे। ये देखो बैग वैग ऐसे पड़े हुए हैं, सब कुछ, बैग, जूते, शेकर्स, सब घोच हुआ पड़ा है। अभी कोई आएगा, साफ करेंगे। और रात को, सुबह रात को ही सोए थे हम 2:30 बजे, क्योंकि बेड पे नींद मुझे आई नहीं। नीचे उन्होंने गद्दा दिया नहीं, कि भैया गद्दा नहीं है, ख़त्म हो गया, होटल फुल है। तो आज सबसे पहले काम क्या करना है, गद्दा लेना है, जिससे मुझे कम्फर्टेबल नींद आ जाए। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज उसी कारण। तो बाकी आई होप सब आगे अच्छा होगा। तो आज का दिन अपना कंटिन्यू करते हैं, पहले जाने हैं ब्रेकफास्ट करने। तो कौन कौन जा रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, चलो। चलो चलो चलो, ये अपनी लॉबी, ये अपना एयर है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज कहना चाहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह हमारी फुकेट में हुई है और बहुत ही बढ़िया हुई है। भाई को तो बहुत बढ़िया नींद आई। मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सोया, बेशक यहाँ रोटी ना मिल रही है, ढूंढेंगे रोटी। लेकिन रोटी तो मिल जाएंगी, पर यहाँ की रोटी ऐसा लगाओ जैसे मतलब अलग ही एक रोटी मिलेगी भाई। यहाँ पे हमें 180 बात की, मतलब वो होगी 240 या 220 रुपए की। कोई ना, भात खा ले बेटा। चलो, हाँ भाई, होगी गुड मॉर्निंग। चलो जी, इनकी भी होगी। चलो दोस्तों, करते हैं ब्रेकफास्ट। राइस अब्स कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो तो भाई, वही पहले अपना आज ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद बनाऊंगा वर्कआउट का रूटीन, क्योंकि यहाँ पे वर्कआउट कल एक जिम में जिसमें करने गए थे, उसमें हमने पर डे के 500 बात दिए, मतलब वही 1250 रुपये एक दिन के। तो इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू का खर्चा है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लें, देन उसके बाद जिम ढूंढेंगे अपने लिए कोई अच्छी सी, जहाँ पे वर्कआउट हो पाए और अच्छा सा वर्कआउट हो पाए, क्योंकि दो टाइम तो पॉसिबल होगा नहीं। बाकी ट्राई करूँगा दो टाइम वर्कआउट कर पाऊँ, दो एक दो दिन रह गए तो खींच के काम करेंगे। चलो जी, लिफ्ट आ गई, आ जाओ भाई, आ गई। M, इनके में M है, G है, 1 और 2 नहीं है भाई। वर्कआउट एक बार करना, दो बार करेंगे भाई, जरूरी है। चलो तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का लेंगे, फिर ले ऐसा करता हूँ, वर्कआउट करके वो 11 बजे और एक रात को 8 बजे, जैसे अपने इंडिया के हिसाब से। अभी तो हमारे इंडियन सो रहे होंगे, साथ में देखो महकमा सकल सूजी बढ़िया है, नई स्मार्ट लग रहा है, मूवी साफ दिख रहा है। चलो ना, एम आ गई अपनी, आ गई। चलो भाई, वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कंट्री का, हर कंट्री का आदमी होगा। सो भाई, अपना तो वही ब्रेकफास्ट है, ये अंडे, फ्रूट्स और एक ग्लास जूस, थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, ठीक है। ये देखो भाई, भाई की डाइट हमारे चक्कर दी है भाई, ब्लैक कॉफी। अरे नहीं, यहाँ मिलीनरी मेरा बोली उनकी, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव मिल्क टी? तनु गरीब मियो मियो हरी मिल्क की बिल्ली ना मगर मैं मिल के चाय का डाला, थोड़ी अदरक अदरक डालना भाई ना, इन चारों हसरी मिल के लौंडी। चलो हमारे तो देख जाए, इसको देखो, जिसका कोई ओली सब्जियों से मतलब नहीं। जब भी आवा, लेकिन थोड़ा वेट रिड्यूस होता है ना। हाँ, वेट कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, हो जाएगा बॉडी थोड़ी शेप में। अरे ये देखो भाई को चावल ले रहे हैं, अपना भाई रज के। ये देखिए इनके तो अंडा भी भाई आधे, वो है आधे बॉयल, सजा दे रहे हैं, खाना ना दे रहे, दे तो ब्राउन एग रहे हैं पर सजा वाले दे रहे हैं। जो भी अब खा रहे हैं बच्चा। तो भाई वो प्लेट चेंज करी गई है, ग्रीन वेजिटेबल, चिकन और फ्रूट। सुबह सुबह चिकन पहली बार ट्राई करेंगे आज। तो लो जी भाइयों, अगेन खा पी के मैं सो गया था और उठ चुका हूँ सो के। मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, ऊपर से भी पीछे से भी। और ये अपना प्री वर्कआउट, और मैं जा रहा हूँ अब जिम। मतलब रूम में रहो तो ऐसा लग रहा है बस सोते रहो। बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके चेंज करा और उठ के मैंने कहा वर्कआउट कर जाता हूँ। वही टाइम हो रहा है, 1 बज चुके हैं, पैदल जा रहा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और जिम की फीस है 600 रुपये बात, मतलब लगा लो 600 को 250 से डिवाइड कर दो, कितना 1200-1500 रुपये हो गए। तो पर डे कोई नहीं है, तो होटल में भी जिम, बट
इतनी फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारे एथलीट आ रखे हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा घूमना फिरना जब भी नहीं है तो जो करेंसी चेंज कराइए उसमें अपना अच्छे से एटलीस्ट वर्कआउट तो कर पाऊँगा। बाकी खाना अब मुझे समझ आई लोग बाग यहाँ पे क्यों कैरी कर रहे हैं, क्योंकि तीन ही मील लगेंगी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और सब अपनी इसलिए मील कैरी कर रहे हैं जो ब्रेकफास्ट के बाद अगली मील लेंगे वो ले सकें। बट सही है, मैं कैरी भी नहीं कर पाऊँगा तो, क्योंकि ठंडा खाने की आदत नहीं है तो ठंडा खा नहीं पाएंगे। बाकी ये है सेम वही सारा सब कुछ। ओह पैदल पैदल इस वाले मॉल तो यहीं से स्टार्ट है, बट मॉल बहुत बड़ा है, तो इसमें जिम है इसके पीछे, तो चलो करते हैं अपना वर्कआउट, बैक और बाइसेप करेंगे। चलो ये है भाइयों, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, ये अंडर पास, अब पता चले अंडर पास रात दिखाई नहीं था। ये रहा जी इनका, पैदल पैदल घूम रहे हैं प्री वर्कआउट लेके। ये यहाँ का टेम्पो है, टू व्हीलर देख लो, और भाई वो वॉक करके जाने का एक रीज़न और है कि अपना कार्डियो भी हो जाएगा, ट्रेडमिल पर तो चला जाता नहीं है, तो 2 से 2.5 किलोमीटर है होटल से, तो अपना कार्डियो भी हो जाएगा। बाकी आते टाइम यहाँ पे स्कूटी मिलेगी रेंट पे, वो स्कूटी वाला छोड़ देगा, 50 बात बोलेगा मतलब 125 रुपये। हो चलो बस पहुँच गया पूरा जिम सामने, दिख तो सामने रहा है बट फिर भी 600-700 मीटर है अभी। एक यहाँ की सबसे बढ़िया बात, सारी गाड़ियाँ जेट ब्लैक है और विद अलॉयज के साथ, कोई भी गाड़ी उठा लो जो पर प्राइवेट होगी टैक्सी को छोड़ के। बस ये देखो हो रहा सामने जिम, जेट्स फिटनेस। तो भाई वर्कआउट चल रहा है अपना, जिम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पे एक ज़्यादा भसड़ हुई पड़ी है, इन्हें जो पीछे यहाँ का ट्रेनर है, हिंदी इंग्लिश इन्हें आती नहीं है, हिंदी तो इन्हें आती नहीं है, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आती है वो इन्हें नहीं आती। हेलो, बस यही आता है कि सहलो। ये मैडम मेरे से कह रही थी तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, कुछ इसने अपनी भाषा में किया, चाहे इसने मुझे चाहे गाली भी दी हो बेशक तो वो पता नहीं। ठीक है जी, ये जिम है, बहुत ही प्यारा जिम है, बहुत ही अच्छा जिम है, वर्कआउट कर लें देन उसके बाद करते हैं। सो गाइस वर्कआउट कंप्लीट और खड़े हैं, ये रहा भैया टैक्सी पे लेकर जाएगा, इनकी मोटरसाइकिल है, ये लेगी 55-60 रुपये बोल रहे हैं, रात को 50 में लग गए थे, इनकी अपनी सरकार है। तो वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त रहा, पहली बार काफ़ी टाइम बाद मैंने 2 घंटे वर्कआउट कराया, बैक करी, बाइसेप की 4 एक्सरसाइज करी और
एक्सटेंशन लेग कर्ल करी, अब शाम को अपने होटल में छोटा सा जिम है उसी में एब्स वगैरह कर लेंगे, बाकी दो तीन दिन की और बात है, पता लगेगी कितने मिट्टी कितने पानी में है। और धूप बहुत ज़बरदस्त है, रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा, जैसे पहले बताया था रूम से निकले तो नींद आ जाएगी, घूमने लायक हालत है नहीं। बस अब जाऊंगा, लंच चल रहा हो तो लंच करेंगे क्योंकि भूख लगी है, और उसके बाद प्रोटीन पी के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। टाइम यहाँ के 2:30 से 3 के बीच का टाइम हो रहा है, और शायद अपने इंडिया में 1:30 से 2 का और होगा। चलो चल रहे हैं, अपनी गाड़ी तैयार है, चल मेरे शेर, थारा नौज जा थारा, चल चल भाई चल, लेट्स गो। है तो मतलब दारू की बास मार रही है यार, यू ड्रंक, हेलो यू ड्रंक, है झड़ा मार रही है, दूर ही रह गया तू। चलो भाई चलते हैं, सेफली पहुंचा दीजिए बस भैया। वो तो भाई जीरा अपना दोबारा वही सेम लंच, अंडे इनाम के पता नहीं सजाए फूटते भी नहीं है, पूरा खाली हो जाता है अंडा। ये अपना चिकन और थोड़ी सी गोभी और थोड़ा सा पपाया ताकि अच्छे से फ्रेश हो जाए, और अनियन और वो मंगाया मैडम से, वो लेके आ रही है अनियन और लेमन, बाकी वही देख लो आप। सारी टीम यहाँ पे हैं, जजेस हैं। ओह टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को, टाइम आप देख लो, 3:01 हो रहे हैं, कर लेते हैं लंच और करेंगे रेस्ट। थैंक यू मैम। तो लो जी भाई, आ चुका हूँ अपने रूम में दोबारा, और आते ही ये प्रोटीन शेक क्या है पहले तो इसे पियेंगे, और इसे पी के थोड़ी सी करूँगा पोजिंग, क्योंकि पोजिंग मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है। वीक इसलिए भी रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, मैं वर्कआउट भी अच्छा कर लेता हूँ, डाइट भी ठीक से मेंटेन कर लेता हूँ, बस पोजिंग करने में और थोड़ा सा कार्डियो करने में अलकस कर देता हूँ कि ठीक है कल करूँगा कल करूँगा, तो कल अब कभी आता नहीं है, कल वो आज में बदल जाता है, तो पोजिंग होती नहीं है। थोड़ा सा प्रोटीन पी के, 1.5 स्कूप प्रोटीन है इस बार मैंने, जैसे लास्ट टाइम हम प्रोटीन इनटेक में कर रहा था अपना 10 से 12-13 चम्मच, तो इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कराया, मैंने कराया लास्ट 5 से 6 स्कूप, और मुझे उसका रिजल्ट भी ठीक लगा है। पेट भी मेरा थोड़ा ब्लोट सा नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपकी इतनी विशेज आ रही हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स में भी। तो बस इसे पी लूँ, इसे पी के आगे जो भी अपना करेंगे, अभी तो पोजिंग ही करूँगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि बॉडी की कंडीशन आप लोगों को शो करूँ तो नीचे कमेंट करना, नहीं तो आज कितनी 7 तारीख हो गई, कल वेट है, उसके बाद 2 दिन बीच में होंगे, पता चल जाएगी कितने मिट्टी में है। बाकी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, अपना 100% देंगे ये मेरे हाथ में है, और आप लोग तो हो ही साथ, हार जीत तो गेम है, आज हारेंगे। अभी 3-4 साल लगेंगे बॉडी मैच्योर होने में, क्योंकि कल एक सर है उनसे भी बात हुई, उन्होंने बोला कि तुम जो कर रहे हो वो शायद ही कोई अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर करके यहाँ तक कर पाए, टॉर्चर की आदत सी होगी इतना टाइम से ये सब करने की, कि तो ठीक है यही करना है, अगर कोई लाइट भी करेगा तो होता नहीं है। वर्कआउट भी कल मैंने 30 मिनट में मतलब ज़बरदस्त अपना वर्कआउट करा, टाइगर भाई भी बोले कि ये इतनी जल्दी और बिना मतलब ऐसे उड़ता, सेट मारा प्लेट लगाई, सेट मारा प्लेट लगाई, तो बॉडी मेरी ऐसे यूज टू हो चुकी है, बाकी अच्छा भी लगता है। और बस बातें बहुत हैं करने को, अभी आगे और भी वीडियो आएंगी उनमें करेंगे, तो पी लूँ पोजिंग कर लूँ फिर मिलता हूँ। भाई अभी खाने गए हुए हैं, वो उनकी बढ़िया मौज आ रही है, KFC वो रखा बच गया, कह रहे हैं मेरे से खाए नहीं गया। अभी मैंने फ़ोन करा, मैंने कि उस्ताद जी कहाँ, कह रहे मैं मैकडी आया पड़ा हूँ, तेरे लिए कोई पानी वानी लाऊँ, मैंने कि यार बर्गर वगैरह पूछते तो बात भी बनती थी, पानी पिला रहे हो, मिलते हैं। तो जिनको भी मेरे से मदद चाहिए था भाई नहीं मिलेगा, तो आज तक मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, मैं अब दूंगा। तो मैंने भाई को कल भी बोला था, मैं चैनल कल भी वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ डाल सकता था, पर प्यार है भाई से, और दो दिन भाई भी चीज जानते भाई के जो पहला हो गया उस सब को मैंने गेम के बाद में आपको सुबह सॉरी भाई ने सूर्य जरूर बोला था मुझे, और वहीं पर सारी बात हमारी खत्म हो गई थी, और अभी भी खत्म है। वेरी गुड। और अपने भाई रविंद्र मलिक जी, इनसे बारे में मैंने सुना तो बहुत था, देखा भाई को मैं च्योर ओलंपिक के स्टेज पे था, देख लो भाई की कटिंग भी, हाय हाय सारे कवर एक मैं हाफ में डोल रहा हूँ बस।
वैसे मैं तो सोशल मीडिया से जानता हूँ, कोई से जानता नहीं हूँ, तो मतलब जैसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा उससे कहीं ज़्यादा वेरी हम्बल है, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे भाई प्यार अब बड़ों की रिस्पेक्ट और बड़ों का प्यार है। मुझे तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी, बहुत अच्छी बढ़िया लड़का है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, जीरो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, कोई वो नहीं। बहुत प्यार भाई आपसे, बहुत प्यार। फर्स्ट पहली मुलाकात है हमारी, देखा मैंने आपको, आपकी बॉडी जब देखी थी आप स्टेज के आसपास थे वहाँ पे, और एक बार आप वीडियोस में देख के आया था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो इतने अच्छे वर्ड सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रविंद्र भाई। देखो भाई, नितिन के एक करोड़ से मिली थी, आप सबको पता ही है, लेकिन कम्युनिटी वाला सिस्टम होगा कि जाट गुजर जो भाई के हैं, गुजर फैन बोले वो जाटों के बारे में, जाटों के जो गुजरों के बारे में, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जाट और गुजर है, हम तो एक ही क्षत्रिय कौम है हमारी, एक ही। देखो हम तो एक चीज चाहते हैं भाई, कौम वोम में कुछ नहीं रखते हैं, दोनों प्लेयर होते हैं, हम प्लेयर हैं, ये उबरता हुआ तगड़ा प्लेयर है, अच्छा लेके जाएगा, तो उसमें डाउट ही नहीं है। दोनों को कंपैरिजन करना ऐसा है वो होता नहीं है। और हम खिलाड़ी है यार, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर खिलाड़ी ये चीज़ सोच के चलेगा ना तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और मैं सभी भाइयों को और भी बोलना चाहता हूँ कि जातिवाद पे बिल्कुल मत जाओ, हम इंडियन है, सबसे मेन बात यही सोचो, वी आर इंडियन। सबसे एक बात सोचो, भगवान ने जब हमको भेजा था, भगवान ने जब हमको ऊपर से भेजा था, सबको एक ही जैसा भेजा था, ठीक है, दूरी देखी हुई है ना, तो हम लोग भाई भाई है और दोस्त हैं। और नितिन भाई भी बहुत अच्छा है, मिलने के बाद में मुझे पता चल रहा है, चलो जो भी पहला जो कुछ हो गया उसको सबको भूल जाओ, लेकिन एक हम भाई है, दोस्त है, ठीक है। तो बिहाइंड द कैमरा हम मिलेंगे, काफ़ी बातें की इसके बारे में जाना, मतलब फर्स्ट टाइम ही मिलेंगे, तो भाई दोनों अच्छे हैं, दोनों डाउन टू अर्थ हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि दोनों कितने फैन, भाई हमारे भी गुजर थोड़े बहुत फैन हो रहे हैं, हमारी हम लोग गुजर भी हैं, तो ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं थे, न्यूज के चक्कर बना रहे हैं, अपने YouTube चैनल को हाईलाइट करके, हम तो भाई आपको सुनील बोल सब अच्छे फैन हैं, और हम जहाँ भी जाएंगे ना स्टेज पे या नेशनल स्टेज पे अच्छा कम्पीट करेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, या इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया का फ्लैग हम गारंटी देते हैं। अगर सबसे पहली बात यह है, अगर हम इंडिया के बाहर आ जाते हैं ना, तो शायद हमारे अंदर वाली वो जो जाट गुज्जर वाली वो फीलिंग है ना, वो बिल्कुल चली जाती है। हम वहाँ से एक ही चीज़ सोचते हैं कि हम इंडियन हैं, और यहाँ पर आकर जो इंडियन रहता है उसमें इतना प्यार रहता है ना, भाई भाई के जैसा रहता है। तो अगर आप लोग भी बाहर निकलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जातिवाद कुछ नहीं है, वो सब सोचते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। सो गाइस, आपको एक बहुत अच्छे सर से मिला था, बहुत अच्छे कोच हैं, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, मीट आरसू सर। तो सर कैसे हैं, कुछ बोलिए आप। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है सब, हम लोग इंडिया के लिए आया तो इधर खेलने के लिए, सब भाई लोग बच गया था, वो तो कुछ नहीं है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है इंडिया का फ्लैग पकड़ने के लिए स्टेज में, हम लोग विन करने, इसलिए बहुत खुशी, वो लोग सही बोल देगा, ऐसा ऐसा आएगा लाइफ में, सब आएगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उन्हें इग्नोर करके करते रहे सब लोग, हमारा बॉडी बिल्डर लोग सब इंडियन का, हमारा बाइक जैसे इधर अब सब लोग ऐसा ही, बाकी कुछ नहीं है, वी आर इंडियंस, दैट्स इट। सो गाइस, ये अपना डिनर है, लेमन वाटरमेलन अंडे चिकन अभी आ रहा है, गरम मंगाया, और अपने प्रेम सर, ज्ञान सर, ये देखिए मूंछ अच्छी लग रही है सर, अब तो इन्हें कर लेते हैं, देन करते हैं कुछ बात और मिलते हैं ऊपर, चिकन आ रहा है अभी। तो भाई आ चुका हूँ होटल में, मतलब आ चुका हूँ अपने रूम में, वर्कआउट किया अपना, थोड़ा बहुत एब्स किए और थोड़ा सा कार्डियो किया, बाकी अपना फिर नीचे डिनर किया। और मेरी कल भी अनुज भाई से बात हुई थी, और जब हम मिले थे 5 को मिले थे तब भी बात हुई थी, और आज भी बात हुई, मैंने कैमरे में ऐसा कुछ सचेत डाला नहीं, वरना
जो पब्लिक है वो उसे फिर नेगेटिव वे में लेके जाती, तो आज हमने साथ अच्छा सा वर्कआउट किया और मुझे लगा कि चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला था, मुझे अगर पता लगी थी, तो मैंने उसी दिन जब हमारी चैंपियनशिप खत्म हुई थी वो चीज़ रियलाइज़ की थी उनसे। बाकी अगर ये चीज़ आप अपने ऊपर भी लेके देखो, आप कुछ पर्सनली कुछ कर रहे हो और उसे थर्ड बंदा रिकॉर्ड कर ले और तब बोले तो कैसा फील होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड अपने बीच। वी आर एथलीट्स, वी आर इंडियन। मेडल आए ना आए वो बाद की बात है, बस खेल के लिए खेलना चाहिए, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता आता हूँ। तो बाकी ये था अपना पूरा आज का दिन, अब सोऊंगा, रात के बजने 11:30। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत प्यारा आपस में हम सबके, एक वो रहे भाई अपने, ठीक है जी, और एक ये रहे हम। तो खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है। लव यू आप सभी।